Hello and welcome to CarDekho, where we help you pick the right car right now. I am Shaurya और आज हमारे सामने है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल. 5 से 6 लाख रुपए के बजट में कौन सी पेट्रोल ऑटोमेटिक हैचबैक खरीदी जाए? और इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपको मिलवाना चाहता हूं हमारे दावेदारों से. Hyundai की Santro और Maruti की Wagon R. जी हाँ, यहाँ एक गाड़ी की कमी आप जरूर महसूस कर सकते हैं और वो है टाटा की टियागो AMT. अनफॉर्चुनेटली इस कंपैरिजन के लिए वो हमें अवेलेबल नहीं हो पाई, लेकिन अगर आप इन तीनों गाड़ियों के मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट्स का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो आई बटन को जरूर दबाएं. कमिंग बैक टू दीज टू कार्स, ये दोनों ही टॉल बॉयज हैं, इन दोनों में AMT मिलता है, मगर दैट्स वेयर ऑल द सिमिलैरिटीज एंड. तो क्या डिफरेंट है इन दोनों गाड़ियों में, आइए जानते हैं. जैसा कि हम पहले से जानते हैं, Santro का 1.1 लीटर इंजन काफी स्मूथ और रिफाइंड है. इसकी खासियत है इसकी लीनियर पावर डिलीवरी और इसमें AMT के एडिशन से ये और भी बेहतर डेली सिटी ड्राइवर बन जाती है. गियर शिफ्ट्स काफी स्मूथ है और सीधे रास्तों पर ये गाड़ी को सही गियर रेशियोस में रखते हैं. इसके अलावा इसमें ट्रैफिक में आपका काम आसान बनाने के लिए क्रीप फंक्शनैलिटी भी दी गई है, जो कि बाकी गाड़ियों की तरह ज्यादा जर्की नहीं है. हाँ, मगर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. हिल होल्ड ना होने के कारण ये गाड़ी को पीछे जाने से सही तरीके से नहीं रोक पाता और जैसा कि आप देख सकते हैं कि गाड़ी को वापस काबू में लाने में आपको काफ़ी मेहनत लगती है. देखिए, मैं पूरा एक्सेलरेटर दबा रहा हूँ तब जाके गाड़ी ऊपर चढ़ रही है. और इस AMT की एक और कमी है और वो है ढलान के ऊपर इसका जल्दी अपशिफ्ट करना, जिसके कारण गाड़ी थोड़ी सी आपके कंट्रोल से बाहर चली जाती है. इसके अलावा आपको ओवरटेक्स भी एडवांस में प्लान करने पड़ते हैं क्योंकि ये इंजन अग्रेसिव ड्राइविंग के लिए बिल्कुल नहीं बना है. मगर ऑन द अपसाइड, इसका रिलैक्स्ड नेचर कपल्ड विद स्मूथ शिफ्टिंग AMT मेक्स द Santro वेरी एफिशिएंट. Santro का कैबिन अपने सेगमेंट में सबसे वेल बिल्ट है. इंटीरियर्स की अपहोल्स्ट्री से लेकर प्लास्टिक क्वालिटी और यहाँ तक कि इंफोटेनमेंट सिस्टम भी एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ियों को टक्कर दे सकता है. Santro की ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल नहीं है और साथ ही इसका जो स्टेयरिंग व्हील है वो भी हाइट एडजस्टेबल नहीं है, जिसके कारण आपको अपनी सही ड्राइविंग पोजीशन ढूंढने में थोड़ी मशक्कत जरूर करनी पड़ सकती है. और इसी कारण से अगर आपकी हाइट 6 फुट से थोड़ी ज़्यादा है तो हम इस वेरियंट को आपको रिकमेंड नहीं करेंगे. नई Wagon R ना सिर्फ बाहर से देखने में काफी बड़ी है, इट ऑल्सो गेट्स अ वेरी रूमी कैबिन इनसाइड. इसलिए Wagon R का केबिन उन लोगों को पसंद आएगा जिनकी हाइट थोड़ी ज्यादा है. यहाँ पे स्पेस की कोई कमी नहीं है, इनफैक्ट ये गाड़ी अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा स्पेशियस है. अपार्ट फ्रॉम स्पेस, इसकी ड्राइवर सीट भी काफी कंफर्टेबल है और आपको काफी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करती है. हाँ, इसकी फिट एंड फिनिश Santro के मुकाबले में थोड़ी सी कम पड़ती है, मगर फिर भी एक्सेप्टेबल है. जो एक बात Wagon R के इंटीरियर्स को खास बनाती है वो है इसका हाइट एडजस्टेबल स्टेयरिंग व्हील, जो कि आपको एक कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन ढूंढने में काफी मदद करता है. लेकिन नई Wagon R का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका नया और दमदार 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन. Wagon R ना केवल ज्यादा पावरफुल है, ये काफी आसानी के साथ ओवरटेक भी कर सकती है. और इसका AMT गियरबॉक्स Santro जितना स्मूथ नहीं है, मगर इसके गियर शिफ्ट ज्यादा इंट्यूटिव हैं. ये गियरबॉक्स काफी इंट्यूटिवली शिफ्ट करता है और गाड़ी को हमेशा सही पावर बैंड में रखता है. इसके अलावा इसमें आती है क्रीप फंक्शनैलिटी, जो कि काफी यूजफुल है. मैं अभी एक हिल पे खड़ा हूँ और जैसे ही मैं ब्रेक रिलीज करूंगा ये गाड़ी अपने आप उठना चालू कर देगी. इससे ना कि आपको बेहतर कंट्रोल मिलता है, यू आर मोर एट ईज वाइल ड्राइविंग एज वेल. एंड नॉट ओनली दैट, Wagon R का पोटेंट इंजन और ट्रांसमिशन कॉम्बिनेशन इसे हाईवे ड्राइव्स के लिए भी काफी केपेबल बनाता है. लेकिन अगर आप बात करें फ्यूल एफिशिएंसी की, तो वहां Wagon R जरूर Santro से थोड़ी सी पीछे है. सिटी में Wagon R आपको देती है 12 के अराउंड का माइलेज, वहीं Santro आपको सिटी के अंदर 14 के अराउंड का माइलेज दे देती है. और हाईवे पर भी Wagon R का माइलेज थोड़ा सा कम है Santro के माइलेज से. तो जैसा कि आपने देखा, ये दोनों गाड़ियां बहुत केपेबल हैं,
अगर हम बात करें सैंट्रो की तो इसमें आपको मिलती है प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, कम कीमत में ज़्यादा फीचर्स, एक स्मूथ ड्राइव और ऊपर से ज़्यादा माइलेज भी। मगर वैगन आर इन सभी मामलों में सैंट्रो से ज़्यादा पीछे नहीं है। अगर आप इसको देखें तो इसमें आपको मिलेगा एक पंचियर इंजन, एक बेटर इंट्यूटिव गेयरबॉक्स एंड लॉट्स ऑफ स्पेस विच मेक इट अ बेटर फैमिली कार। ओवरऑल एज अ पैकेज वैगन आर एक बहुत उम्दा ऑलराउंडर है।